गुजरात सेकेंडरी और हायर एजुकेशन बोर्ड ने 11 लाख छात्रों का इंतजार खत्म करते हुए गुजरात बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। वही विजयनगर तहसील के महाराव श्री हमीर सिंह जी विद्यालय का रिजल्ट 70.78% रहा। नमस्कार, मैं हूँ हर्षित कुमार, आप देख रहे हो HBN न्यूज चैनल। गुजरात सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड यानी कि GSB 11 लाख छात्रों का इंतजार खत्म करते हुए आज गुजरात बोर्ड ने परिणाम जारी कर दिया है। तब हमारी HBN टीम विजयनगर तहसील के अंदर जो 10वीं कक्षा का सेंटर था वहां आ पहुंची है। इस सेंटर में टॉप पर आए हुए है सा रिद्धि बेल। चलिए हम उसको बात करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से मेहनत की है हम आगे आपको बताने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहे। 10-15 मिनट आप पहुंचे हैं यहाँ, जो सेंटर फर्स्ट आया है जो रिद्धि बेन नाम है उसको हम बात करने की कोशिश करेंगे। बेन जी, आपका नाम तो रिद्धि बेन है, ठीक है। आपने जो इतनी हासिल की है सिद्धि, तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे मैं साइंस स्ट्रीम थ्रू एक ग्रुप में IAS बनना चाहती हूँ और IIT में जाना चाहती हूँ। और आपने ये सिद्धि हासिल की है, इसने आपको किस तरह से मेहनत की थी? आज धोरण 10 નું પરિણામ જાહેર થયું છે, તો મારે 96% અને 99% આવેલા છે। મેં A1 ગ્રેડ પ્રાપ્ત કરેલ છે। આ બદલ મેં ખૂબ જ મહેનત કરી હતી અને મારા શાળાના શિક્ષકોએ પણ મને સાથ સહકાર આપ્યો હતો। મારા શાળાના શિક્ષકોનું માર્ગદર્શન અને મારી મહેનતથી આજે મને આટલી મોટી સફળતા મળી છે। यहाँ उनके पापा भी हैं, उनको भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर जी, आपकी जो बेटी है वो बहुत सारी सिद्धि हासिल की है, आप उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरी बेटी की सफलता के पीछे उस बच्ची के स्कूल का पूरा स्टाफ और बच्ची की मेहनत उसके पीछे जवाबदार है। बच्ची ने बड़ी लगन के साथ मेहनत की थी और उसके हिसाब से उसे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है, यह देखकर हम सब आज खुश है। आप पहुंचे हैं यहाँ, जो सेंटर फर्स्ट आया है जो रिद्धि बेन नाम है उसको हम बात करने की कोशिश करेंगे। बेन जी, आपका नाम तो रिद्धि बेन है, ठीक है। आपने जो इतनी हासिल की है सिद्धि, तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे मैं साइंस स्ट्रीम थ्रू एक ग्रुप में IAS बनना चाहती हूँ और IIT में जाना चाहती हूँ। और आपने ये सिद्धि हासिल की है, इसने आपको किस तरह से मेहनत की थी? आज धोरण 10 નું પરિણામ જાહેર થયું છે, તો મારે 96% અને 99% આવેલા છે। મેં A1 ગ્રેડ પ્રાપ્ત કરેલ છે। આ બદલ મેં ખૂબ જ મહેનત કરી હતી અને મારા શાળાના શિક્ષકોએ પણ મને સાથ સહકાર આપ્યો હતો। મારા શાળાના શિક્ષકોનું માર્ગદર્શન અને મારી મહેનતથી આજે મને આટલી મોટી સફળતા મળી છે। यहाँ उनके पापा भी हैं, उनको भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर जी, आपकी जो बेटी है वो बहुत सारी सिद्धि हासिल की है, आप उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरी बेटी की सफलता के पीछे उस बच्ची के स्कूल का पूरा स्टाफ और बच्ची की मेहनत उसके पीछे जवाबदार है। बच्ची ने बड़ी लगन के साथ मेहनत की थी और उसके हिसाब से उसे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है, यह देखकर हम सब आज खुश है। चाहते हैं और IAS बनना चाहते हैं, तो मैं भी गुजारिश करता हूँ HBN न्यूज चैनल तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। आगे किसी हाई स्कूल के प्रिंसिपल जुड़ चुके हैं, हम उसको बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपके स्कूल का परिणाम किस तरह से आया है, कितना आया है? आज जो धोरण 10 बोर्ड का जो रिजल्ट आया है, इसमें हमारी जो स्कूल की एक स्टूडेंट थी सा रिद्धि श्रेणी कुमार, उसने 99.99% और 96.17% प्राप्त किए, जो इस स्कूल में एक रिकॉर्ड बनाया है। और इस जो रिजल्ट आया है उसमें हमारे स्कूल के जो सभी टीचर स्टाफ है, इन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की थी और इन मेहनत के साथ साथ विद्यार्थिनी जो है रिद्धि, उसने भी बड़ी लगन से मेहनत की थी और ये सिद्धि हासिल की है। और इसमें हमारे जो स्टाफ हैं, टीचर हैं, क्लार्क हैं, उन सभी को धन्यवाद प्रदान करते हैं। और साथ में हमारा स्कूल का जो मैनेजमेंट है, विजयनगर माध्यमिक केलवनी मंडल, उनका भी हम धन्यवाद अभिवादन करते हैं। और आज जो रिजल्ट आया उसमें रिद्धि ने ये घोषित किया है कि मुझे IAS बनने की इच्छा है, तो हम स्टाफ की तरफ से और हमारे जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से हम उनको आगामी जो कारकिर्दी है इसके लिए हम बहुत शुभेच्छा उनको प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।